नमस्कार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची, लेकिन इस दौरान वह वहां नहीं मिले। हालांकि ईडी का दस्ता 13 घंटों से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रहा, जबकि आवास की तलाशी भी ली गई। जांच एजेंसी ने झारखंड सीएम के इस आवास से बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। हालिक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के एक्शन को हेमंत सोरेन को बदनाम करने की नियोजित साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि सीएम सोरेन गिरफ्तारी के डर से 18 घंटे से फरार हैं। वहीं ईडी की टीम सोमवार को दिल्ली पुलिस के साथ करीब 9 बजे दक्षिण दिल्ली में 5-1 शांति निकेतन भवन पहुंची और रात करीब 10:30 बजे तक वहां मौजूद रही। बाद में ईडी अधिकारियों को रात करीब 10:30 बजे परिसर से बाहर निकलते देखा गया। सूत्रों की ओर से बताया गया कि जांच एजेंसी ने सीएम सोरेन के आवास से बीएमडब्ल्यू कार और कुछ दस्तावेज जब्त किए। दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि संविधान के संरक्षण होने के नाते मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के मद्देनजर राज्य के हालात पर नजर रखे हुए हूं। यह राज्यपाल का कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर मैं सीमा लांघूंगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाओं को उन्होंने खारिज किया और कहा कि यह बस अटकलें हैं। सोरेन को ईडी के समन पर उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा।